अलमेक वेलकम बैक हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो दैट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की रैरिकी टनोमी की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है वो क्या थी दैट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम साइंटिफिकली ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं उनकी आइडेंटिटी और उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी राइट right? साइंटिफिक नेम्स देने का जो प्रोसीजर है अब उन सब चीजों को मिला के हमने एक सिस्टम बनाया है वो सिस्टम हमारे पास क्या है वो है टेक्सोनॉमिक हैमिक का वर्ड क्या है द ग्रुप ग्रुप्स इन टू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड टेक्सा राइट टेक्सा का वर्ड का मीनिंग है ग्रुप group, ग्रुप्स टेक्सा जो है हमारे पास प्लूरल है एक ग्रुप की बात करेंगे तो दैट विल बी ये ग्रुप अगर एक ग्रुप की बात करेंगे तो वो होगा टेक्सॉन ये सिंगल है हमारे पास ऐसे समझो कि आपके पास स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जब आप कोई सीढ़ी चढ़ रहे होते हो तो आपके पास पहले छोटा स्टेप आता है फिर बड़ा स्टेप आता है फिर सबसे बड़ा स्टेप आता है फिर एंड पे आप जो है वो अपनी इस जगह पर पहुंच जाते हो मतलब ये कि एक बड़ा ग्रुप है फिर उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जब इसको अरेंज करते हैं तो ये भी एक लेडर की तरह बन जाता है दैट इज ग्रुप्स की लेडर एक ग्रुप था बहुत बड़ा हमारे पास उसको फर्दर डिवाइड किया सब सब ग्रुप्स ग्रुप्स। में, right? बहुत सारे नेक्स्ट उनको फर्दर डिवाइड कर दिया सब ग्रुप्स में इस तरह ये एक लेडर बन गई ना पहले छोटा स्टेप फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा तो ये ग्रुप ग्रुप की लेडर है लेडर ऑफ फॉर्म अडर यहाँ पे लेडर मीन सब ग्रुप दिस इज कॉल्ड टेक्सनॉमिक हायरिकी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन टेक्सा एंड टेक्सोनॉमिक हायरैरिकी अब आपको पता है कि ऑर्गेनिजम के पांच ग्रुप्स हैं राइट right? इसका मतलब कितने बड़े किंगडम हुए फाइव कितने बड़े टेक्सा हैं हमारे पास फाइव Means groups. तो जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है, उसको हम नाम देते हैं किंगडम का किंगडम क्या है किंगडम इट मीनस किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप या फिर लार्जेस्ट टेक्सॉन राइट अब बड़े ग्रुप है पांच एक ग्रुप बैक्टीरिया का एक प्रोटेस्ट का एक फंजाई का एक एनिमल्स का एक प्लांट्स का ये तो बच्चे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फिर जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो जो सबसे छोटा ग्रुप बनता है बड़े को हमने नाम दिया किंगडम का और जो सबसे छोटा बनता है दैट विल बी नोन एज स्पीशी स्पीशी लेवल पे आके बनता है स्पीशी क्या है हमारे पास इज द स्मॉलेस्ट टेक्सॉन या फिर ग्रुप द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन इसको हम स्पीशी को बेस ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहेंगे राइट right? ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या इज़ अ स्पीशी अगर नीचे फॉर एग्जांपल अगर आप एक दीवार बना रहे हो दीवार के नीचे वाली बुनियाद अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर कोई छत खड़ी नहीं हो सकती इसका मतलब जो चीज़ बुनियादी है इस क्लासिफिकेशन में वो स्पीशीज़ है सबसे बड़ा ग्रुप हो गया किंगडम हमारे पास सबसे छोटा हो गया स्पीशी इनके दरमियान में कौन से ग्रुप आते हैं उसको अब हम स्टडी कर लेते हैं फिर आता है फाइलम फाइलम एक ग्रुप है ऑर्गेनिज़म्स का फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स ये ग्रुप है जिसमें कोई काफी सारी जो क्लासेस शामिल हैं और उन क्लासेस के जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं तो फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस राइट एक किंगडम में काफी सारी क्लासेस होंगी फिर एक फाइलम में काफी सारी क्लासेज आएंगी फाइलम तो एक ही है ना अब देखें अब नेक्स्ट आ जाती है क्लास अब क्लास के बारे में लिखेंगे तो क्लास भी एक ग्रुप है रिलेटेड ऑर्डर्स का रिलेटेड ऑर्डर्स का अब ऑर्डर आगे आ गया नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर भी एक क्लास है ग्रुप है ऑफ रिलेटेड फैमिलीज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज उसमें भी काफी सारी फैमिलीज होंगी लेकिन रिलेटेड होंगी सिमिलर होंगी मिलती जुलती होंगी नेक्स्ट आ गया हमारे पास फैमिली फैमिली भी अब क्या है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा जेनेरा कहते हैं जेनेरा इज अ प्लूरल ऑफ जीनस ठीक है जीनस की प्लूरल जेनेरा होती है नेक्स्ट हमारे पास आ गया जीनस इसमें क्या है सेम वही ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज और सबसे एंड पे हमने पढ़ा था कि स्पीशीज के बाद कोई ग्रुप नहीं होता सबसे स्मॉल आई ये स्पीशीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट और इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे अगर आप ह्यूमन की स्पीशी की बात कर रहे हो तो सारे ह्यूमंस क्या होंगे एक दूसरे से सिमिलर होंगे यहां पर एक मेरे पास ये देखें सबसे बड़ा हमारे पास क्या है सबसे बड़ी हमारे पास ंगडम है लार्जेस्ट ग्रुप था हमारे पास ये राइट फाइलम फाइलम में में क्या था Phylum में हमारे पास इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस तो ये एक साइकिल चल रहा है आपके पास क्लास में क्या था क्लास के बारे में लिखेंगे तो ये क्या है रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स ऑर्डर्स में आएंगे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली फैमिली में जाएंगे तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस जीनस क्या है जीनस इज प्लोरल ऑफ जेनरा जीनस ठीक है जीनस जीनस gen का प्लूरल है और जीनस में आएंगे तो इस ये वाला क्या होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ये आपने साइकिल जो है इसको याद रखना है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है सबसे बड़ा जो है वो किंगडम है यहाँ पे ये चीजें आपको समझ आ गई टेक्सटोमिक हायर एक मेथड है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको ग्रुप्स को नाम देते हैं ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम आर क्लासिफाइड ठीक है एक ग्रुप की बात करें तो इट विल बी टेक्सन या आप मैं बात आपको ऊपर बता चुकी हूँ और अगर उसमें ज्यादा ग्रुप्स की बात करेंगे तो वो होगा टेक्सा तो इन इन वर्ड से मिलके बना है टेक्सोनोमिक हाई और हमने इसमें क्या स्टडी किया है कि सबसे बड़े ग्रुप को हम कहते हैं किंगडम सबसे छोटे को हम कहते हैं स्पीशी और हमारे पास पांच बड़े ग्रुप होते हैं वो क्या थे आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है इस चैप्टर में भी आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं वो है हमारे पास बैक्टेरिया का ग्रुप है प्रोटिस्ट का है फंजाई का है एनिमल का है और प्लांट्स का है अब ये पांचों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन डिफरेंट है पर इनके अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो, वो एक दूसरे से सिमिलर है इनकी आगे हम डिटेल्स फर्दर पढ़ेंगे टेक्सनॉमिक हाईरिकी की इसके बाद आपके पास एक टेबल है आपकी बुक में थ्री पॉइंट वन टेबल नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे वो क्लासिफिकेशन है ऑफ टू सिंपल ऑर्गेनिजम्स की राइट right? इसको हम उसके बाद स्टडी करते हैं